जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। मैं जराटोली गांव में हूँ। आज मैं और मेरी माँ हम लोग जराटोली गांव में आए हुए हैं। आज मेरी माँ के चाचा का डेथ हो गया था, तो उसी को हम लोग मिट्टी देने के लिए आए हुए हैं। मेरे नाना जो थे बूढ़े तो थे, लेकिन अच्छा से काम करते थे, ठीक ठाक थे। जंगल में वो जानवर चराने के लिए गए थे, काड़ा चराने, और वहाँ पर जंगली मधुमक्खी उनके ऊपर हमला कर दिए, जिसकी वजह से उनका तबीयत ख़राब हो गया था और आज डेथ कर गए। तो हम लोग उसी को मिट्टी देने के लिए आए हुए हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का समाज में जो मर जाते हैं उनको हम लोग आखिरी विदाई कैसे देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। घंटी का आवाज़ सुन करके गांव के लोग शोक सभा में शामिल होने के लिए घर के पास इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे समाज का ऐसा विश्वास है कि जब कोई मर जाता है तो इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में जाता है। तो उसी दुनिया में जाने के लिए हम लोग जो मर जाते हैं उसको साफ पानी से नहलाते धुलाते हैं, लेकिन नाना को हम लोग साफ पानी से पोंछ दे रहे हैं। और इसके बाद तेल और हल्दी का लेपन लगाएंगे और फिर साफ कपड़ा पहनाएंगे और इसको बॉक्स में डाल लेंगे। ये तेल और हल्दी लगाया जा रहा है। ये हमारे गांव के ही लोग हैं जो नाना को तेल और हल्दी लगा रहे हैं। ये इस गांव के नए और पुराने धर्म प्रचारक हैं। आज शोक सभा में ये भी भाग लेने के लिए आए हुए हैं। नाना के मृत शरीर को निकालने का समय हो चुका है, इसलिए प्रचारक घंटी बजा करके गांव के लोगों को बुला रहे हैं। घर से नाना के मृत शरीर को बाहर आंगन में निकाला जा रहा है। यहाँ पे कुछ देर नाना के आत्मा की शांति के लिए प्रेयर किया जाएगा। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी दुखित हैं क्योंकि आज हमारे भाई या तो बाबा या तो दादू हमें छोड़कर इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। हमारे भाई सुलेमान तिर्की इस दुनिया का जीवन समाप्त करके एक नए जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर आगे जा रहे हैं। अतः आइए हम सभी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सभी पाप, दोस्त, गुनाहों, कमजोरियों को क्षमा करे और उन्हें अपने अनंत निवास में, स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे। साथ ही साथ हम दुखित परिवार के सभी लोगों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना और धीरज प्रदान करें ताकि ये अपने विश्वास में मजबूत बने रहे। आइए इसी मनोभावना के साथ हम इस दफन विधि में भाग लें।
कर्तव्य समझकर हम अपने भाई सुलेमान तिर्की की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इस भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव दिखाए, ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले और भले गड़ेरिये की संगति में बना ले और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। मन भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मन भूलो नहीं, जो सबका दाता एक ही पिता, जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, कर लो तुम प्रभु का ध्यान, अनुकंप है उसका नाम, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, ये पिता जो सबका दाता, ये पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनन करो यह जीवन दर्पण है प्रभु पावन, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, ये कहीं पिता जो सबका दाता, ये कहीं पिता जो सबका त्राता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई सुलेमान तिर्की की आत्मा सौंपते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रीस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रीस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार
हमारे भाई सुलेमान तिर्की के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए विश्वास भावना के साथ। हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि ख्रीस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझ से और इस भाई से सदा संयुक्त रह सकेंगे। हम लोग दफना दिए, आप घर की ओर जाएंगे और उससे पहले हम लोग हाथ पैर धो लेंगे। ऐसा हमेशा हम लोग करते हैं, जब मिट्टी देते हैं उसके बाद हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद ही घर जाते हैं। ये हल्दी तेल और हरिया पानी है। जब हम लोग कब्र में मिट्टी दे करके घर लौटते हैं तो इसको अपने हाथों में लगाते हैं। नाना को अंतिम विदाई देने के बाद गांव के सभी लोग शोकित परिवार को सांत्वना देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आंगन में सभी बैठे हुए रिश्तेदारों के लिए चाय पानी का व्यवस्था किया गया है। आज के दिन मेरे नाना के पड़ोसी लोग चाय पानी का व्यवस्था किए हैं। नाना हमारे बीच में नहीं रहे, इस वजह से सुबह से मामा मामी और मेरे भाई बहन लोग खाना नहीं खाए हैं। तो मेरे नाना के पड़ोसी लोग खाना बना करके उनको खिलाने के लिए लाए हुए हैं, और साथ ही साथ जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको भी खाना खिलाया जाएगा। आज के दिन बिना तेल मसाला का खाना बनाया जाता है, उसी को हम लोग खाएंगे और फिर सभी लोग खा करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तो हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करते हैं और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जोहार।